नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रांची में खेले जाने वाले दूसरे T20 पर छाए संकट के बादल, सामने आई है बड़ी जानकारी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी 3 मैचों की T20 सीरीज का मुकाबला अब 19 नवंबर को रांची में खेला जाना है, लेकिन इस मैच पर संकट के बादल छा गए हैं। दरअसल शुक्रवार को रांची में खेले जाने वाले इस मुकाबले को स्थगित करने या फिर सिर्फ स्टेडियम की क्षमता के आधे दर्शकों के साथ ही मैच कराने की अनुमति देने की मांग के साथ झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट के एडवोकेट धीरज कुमार ने झारखंड के JSCA स्टेडियम में न्यूजीलैंड और भारत के बीच शुक्रवार को होने वाले दूसरे T20 मैच में 100% सीट दर्शकों के लिए खोले जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। धीरज कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि जब कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य में मंदिर और सभी अदालतें और अन्य कई कार्यालय 50% कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर किस नियम के तहत राज्य सरकार ने भारत न्यूजीलैंड मैच को स्टेडियम में 100% दर्शकों के साथ आयोजन की अनुमति दी है। बता दें कि कीवी टीम 3 मैचों की T20 सीरीज और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत दौरे पर आई है। T20 सीरीज का पहला मुकाबला 17 नवंबर को जयपुर में खेला गया था। इस मैच में भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी। न्यूजीलैंड ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 6 विकेट पर 164 रन बनाए थे। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 2 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य का पीछा कर लिया था। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।